साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि मैंने 5 जनवरी के करीब मलेशिया से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से दी थी कि भाई मलेशिया ने ऑन अराइवल वीजा भारत के लिए कर दिया गया है इंडियन लोगों के लिए, और आउट पास बंद कर दिए गए हैं 31 दिसंबर के बाद में। अभी नई अपडेट कोई नहीं है, अभी आज के अखबार की न्यूज बता रहा हूँ जो 100% सच्चाई है। आपको पता होगा जो मलेशिया से रिलेटेड बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, इतने ज़्यादा पता नहीं क्या क्या सिस्टम चला रखा है एजेंटों ने, मुझे समझ नहीं आता। उसका अलग से एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा सेपरेट। हालांकि जो मेरे से इंक्वायरीज लेते हैं उसको मैं बता भी देता हूं, लेकिन हो सकता है मेरी बातें लोगों को कम समझ में आती है। कल रात को 11 बजे एक बंदा मेरे राजस्थान का बोलता है, सर मैं तो आपका पड़ोसी हूं, मुझे बता दीजिए पंजाब में एक एजेंट है 1.5 लाख रुपये ले रहा है, पैकिंग के काम में 40,000 सैलरी दे रहा है। क्या यार, क्या है, क्या है ये? मतलब बंदे को समझा रहा हूँ व्हाट्सएप पे, अगले ने फीस डाली, मैं अगले से बात कर रहा हूँ, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। बोला सर इतना तो मिल ही जाएगा। मैं बोला भाई 25, बोला सर 25 तो मिल जाएगा, फिर भी जाना उसको मलेशिया। सच्चाई ये है कि पिछले एक साल से आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, पिछले एक साल से आप लोगों ने कितने लोगों ने मेडिकल करवाए? मेरे हिसाब से काफी लोगों ने 3-3 बार मेडिकल करवा ली एक एक साल में, क्योंकि एक मेडिकल की एक्सपायरी डेट 3 महीने होती है, ठीक है, वो थंब वाला उसकी 6 मंथ होती है। तो कहने का मतलब 3-3 बार मेडिकल करवाने के बाद उनके वीजा नहीं आए, क्यों, इसका रीजन क्या है? पहले तो वो वहां का जो प्रधानमंत्री है महातीर जी, बड़े बूढ़ा हो गया वो, 80-90 साल उसकी एज है। अब जाते जाते पता नहीं वो मलेशिया में क्या करना चाहते हैं, वहां की जनता भी परेशान है और बाकी बाहर के वर्कर भी परेशान है। बांग्लादेशियों को उन्होंने बैन कर पहले ही बंद कर दिया था इंडिया के लिए, हो आप पता नहीं वो इंडिया से वो क्या है, वो डरते हैं या मुझे समझ नहीं आता, मना नहीं किया। एक तो ये होता है कि साफ मना कर दिया भाई तेरा काम नहीं करूंगा, तो समझ में आती है भाई अपना काम नहीं होगा। एक वो लालच देना होता है ना, आज नहीं यार तेरे कल करूंगा, तेरा परसों करूंगा, तो बंदा वो विश्वास में बैठा रहता है। और विश्वास में बैठे बैठे लोगों को एक साल हो गया इंडियन लोगों को। अब लोग बोलते हैं सर मलेशिया तो जा रहे हैं, भाई वो पाम ऑयल कंपनी में है उसमें वो जॉब मिल सकता है, बाकी कोई सेटिंग कैसे 2 नंबर में वो भेज देते हैं वो अलग इश्यू है, बाकी 1 नंबर में अभी भी वीडियो डाल रहे हैं। कौन कहता है काम नहीं हो रहा है? मैं कहता हूं भाई काम नहीं हो रहा है, अगर काम हो रहा है तो उसको प्रूफ दो ना कि ये देखो हमारे जनवरी में या फिर दिसंबर में और ये हमारा ऑफर ये आया है, उसको चेक करवाओ, तब पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। अभी मैं बता दूं कि एक साल से कुछ नहीं हो रहा है इंडिया के लोगों के लिए, खास तौर से बता दूं। और हाँ, जनवरी के में पाकिस्तान का काम स्टार्ट हो गया, पाकिस्तानी जो वहाँ के वर्कर हैं वो मलेशिया जा रहे हैं, उनका काम बराबर है, बांग्लादेशियों का भी काम बराबर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इंडिया का काम नहीं तो वो बंद करेंगे और नहीं वो ओपन करेंगे, ये स्थिति हो चुकी है। आपको पता है 370 से रिलेटेड इंडिया में जो कश्मीर का मुद्दा था उसमें भी वहां के प्रधानमंत्री ने विरोध में कुछ बातें बोली थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वो पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया, आप सबको पता होगा। और अभी जो एनआरसी वगैरह इंडिया में जो माहौल चल रहा है उस पर भी उसने प्रतिक्रिया दे दी, अखबार की कटिंग है साथ में डालूंगा, प्रतिक्रिया दे दी। तो पाम ऑयल तो बंद कर ही चुका है भारत, और अभी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम मलेशिया में बनता है वो भी अभी गवर्नमेंट बंद कर देगी मलेशिया के साथ। तो भाई आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट तो उसके साथ यूं कर लेगी तो वो अपने इंडियन वर्करों को मलेशिया में ले जाएगा? बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा, और वो बोलेगा भी नहीं कि मैं मना नहीं करेगा। अगर ये बोलते भी इंडियन वर्कर हम नहीं लेंगे तो बात समझ में आती है, मैटर खत्म हो जाते हैं। इंडिया के जो मेडिकल सेंटर वो भी बंद हो जाएंगे, रोज लाइन लगा के लोग मेडिकल करवाते हैं मलेशिया के, लेकिन काम किसी का होता है? अर्जेंट बोलते हैं हमारे पास काम है, आप कहां से उनके पास काम आता, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। आज का लेटेस्ट दैनिक भास्कर की न्यूज है, वहां के प्रधानमंत्री महातीर ने साफ बोला है कि मैं इंडिया के विपक्ष में बोलूंगा एनआरसी के मुद्दे पे। तो आपको क्या लगता है कि वो वर्कर ले लेगा? आज के बाद ये बात यहां से गांठ बांध ले भाई, इंडियन वर्कर के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, और मलेशिया के अगर आप चक्कर में बैठे हो तो अपना टाइम और पैसा बर्बाद करना काम नहीं होगा, ये बात दिमाग से रख लें। पाम ऑयल मलेशिया का सबसे बड़ा खरीदार इंडिया था पाम ऑयल में, और पाम ऑयल में 3 करोड़ पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करती है, उनका भी संकट आने वाला है, वो काम भी आने वाले टाइम पे, क्योंकि मलेशिया की जो उत्पादन होता था खरीदार कौन था, भारत सबसे ज्यादा था। अगर भारत ने तेल खरीदा तो उसका उत्पादन बढ़ जाएगा लेकिन खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो फिर वो काम करवा आप लोगों को लेके वहां क्या करेंगे, उनके पास जगह ही नहीं है आपको काम करवाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम अभी बैन होने वाला, इंडिया बैन करेगी गवर्नमेंट, तय बात है ये, या फिर उसके टैक्स बढ़ा देगी तो वही वो सिस्टम हो जाएगा फिर। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि ये मलेशिया के चक्कर में आप जो बैठे मेडिकल के चक्कर में बैठे हो, मेडिकल करवा रहे हो या फिर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो ना भाई, काम नहीं होने वाला,
मलेशिया के चक्कर में ना बैठें, अपनी और कंट्री ट्राई कर लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो में मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी दे दी है, फिर भी आपको नहीं जचे तो भाई आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो मलेशिया के चक्कर में बैठे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज इसी टॉपिक पे आपको जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।